नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को लेकर पूरे देश में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गया है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार भी जेडीयू के कार्यकर्ता मानते हैं कि नीतीश कुमार ही देश के प्रधानमंत्री के 2024 में दावेदार है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार जौनपुर या फूलपुर से चुनाव लड़ें, और बिहार के कद्दावर मंत्री मदन सहनी ने आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में बड़ा बयान दे दिया है। मदन सहनी ने कहा है बिहार से भी मेरी इच्छा है कि बिहार से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, लेकिन साथ ही मदन सहनी ने बड़ी बात कह दी है। मदन सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार देश में जहां से भी चुनाव लड़ते हैं वहां से लाखों से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। सुनिए बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मदन सहनी क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। इसमें कहाँ कोई संदेह है, इधर भी देखिए, इधर देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर का, और बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है, और आज जो उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते, हम लोग का व्यक्तिगत चॉइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़ें। बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं, और जहाँ से लड़ेंगे वहीं से चुनाव जीतेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके पार्टी के कोई भी 40 में 40 सदस्य का हम लोग पूरे दावा करते हैं कि एक भी सीट वो नहीं निकाल। विजय सिन्हा ने दावा किया कि अगर पटना साहिब से भी मुख्यमंत्री लड़ेंगे तो 1 लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे। वो चुनौती पहले सर्वे, वो एक जगह का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 39 जगह पर उनको भरोसा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि उस जगह पर भी वो आकर के लड़ ले। हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी या जीतेंगे भी। और मुख्यमंत्री जी की बात क्यों कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग के दल से, हम लोग के गठबंधन से जो भी लड़ेंगे वो चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आजकल देश में बड़े बड़े घोटालेबाज जो है वो एक साथ आ रहे हैं भी ना, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह का बात कर रहे हैं। अगर उनमें काबिलियत होता प्रधानमंत्री का तो मणिपुर में इतना बड़ा घटना नहीं होता। उन्होंने युवा को भरोसा दिलाया था कि हम नौकरी देंगे, उस पर वो खरा उतरते, बेरोजगारी दूर करते, और जो महंगाई है चरम सीमा पर उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए उनसे बड़ा नाकाम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर आज तक कोई नहीं हुआ।